नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस पेशेंट्स, जिन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, फ्लिंग्स बार बार झड़ रहे हैं और साथ साथ उनको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। तो ऐसे में उन्हें कौन से नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी मदद से वो अपने सोराइसिस में होने वाली खुजली, फ्लिंग्स के झड़ने और बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल ऑयल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको इन सभी चीज़ों से रिलीफ दिलाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए, सबसे पहले नेचुरल ऑयल या एसेंशियल ऑयल की हम बात करें तो वो है भृंगराज ऑयल। आप इसको अपने सोराइसिस पैचेस पर लगा सकते हैं, वो चाहे आपकी बॉडी पर हो, हैंड पर हो, चाहे वो आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो या फिर आपके स्कैल्प पर हो। तो आप इस ऑयल को अपने स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं और बॉडी के किसी हिस्से पर लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जिसकी वजह से सोराइसिस में होने वाली खुजली में आपको आराम मिलता है, अगर आप इसको 30 दिन तक रेगुलर बेसिस पर लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको सोराइसिस में जो फ्लैंग्स झड़ रहे हैं उनमें रिलीफ मिलेगा, उनकी मात्रा कम होगी और जो बर्निंग सेंसेशन आपको सोराइसिस में हो रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। इसके बाद दूसरे नेचुरल और एसेंशियल ऑयल की हम बात करें तो वो है आपका टर्मरिक ऑयल, यानी हल्दी का तेल। अब हल्दी आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही अब हल्दी तेल की बात करें तो हल्दी तेल के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जो सोराइसिस में आपको ठीक करने में मदद करती हैं। अगर आप टर्मरिक ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगाते हैं या फिर आपकी बॉडी के दूसरे हिस्से पर जहां आपको सोराइसिस है, तो इससे आपके सोराइसिस के पैचेस को नरिशमेंट तो मिलती ही है, साथ ही साथ उनमें जो खुजली, बर्निंग सेंसेशन आप फेस कर रहे हैं उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। हल्दी के तेल को लगाने से आपके सोराइसिस पैचेस में जो रेडनेस आ रही है वो भी कम होगी और आपको खुजली से तो रिलीफ मिलेगा ही। अब अगले ऑयल की बात करते हैं तो ये है आपका नीम ऑयल। नीम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी जरूर देखें, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी नीम कैसे सोराइसिस में आपके लिए फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं नीम ऑयल की। तो नीम ऑयल के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी सोराइसिस में आने वाली सूजन को भी कम करेगा, साथ ही साथ जो खुजली आप महसूस कर रहे हैं उसको भी कम करेगा। आप इसको नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट अप्लाई करें और उसके बाद अगर आपको लगता है वॉश करने की नीड है तो नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हैं। नीम का तेल आपको बर्निंग सेंसेशन से बचाएगा खासकर, और इसके साथ साथ जो आपके सोराइसिस के पैचेस अनइवन हो रहे हैं, आपकी स्किन अनइवन हो रही है, रफ सी स्किन हो रही है, तो उसको ये ठीक करेगा, इवन स्किन भी बनाएगा। तो नीम का तेल आपके फ्लैंक्स का झड़ना बंद करेगा और साथ ही साथ आपकी जो बर्निंग सेंसेशन आप महसूस कर रहे हैं उसमें रिलीफ दिलाएगा। और अब अगले और लास्ट ऑयल की हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसे आप अप्लाई भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं, दोनों में ही ये आपको पूरे फायदे देगा, यानी लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल को जब आप स्मेल करेंगे तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सोराइसिस में कितना ज़रूरी है ये आप सबको पता चल गया होगा अगर आप सोराइसिस को काफ़ी लंबे समय से फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लेवेंडर ऑयल बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। आप इसको स्मेल कर सकते हैं और अपने सोराइसिस पैचेस पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा। तो ये चार नेचुरल ऑयल्स हैं जो आपको सोराइसिस से बचाने में मदद करते हैं और सोराइसिस को बढ़ने से रोकते हैं। तो आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें और अपना पर्सनल फीडबैक जरूर दें कि इन ऑयल से आपको कितना फायदा मिला और कितना नहीं। अगर आपको इन ऑयल से फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और ट्रीटमेंट के लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एक सही एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपने सोराइसिस के पैचेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट के थ्रू अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।